साथ ही टीआरई वन में जो गलतियां हुई उन गलतियों को टीआरई टू में ना दोहराया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए उन सब ये बहाली निकाल के तुरंत शिक्षक बहाली दोबारा निकाल रहे हैं, तो क्यों नहीं एसटीटी आप लीजिएगा, एसटीटी लीजिए, बीटेट लीजिए, आपको लेना चाहिए, डोमिसाइल आपको लागू करना चाहिए। डोमिसाइल हटाने के चलते आज हजारों युवाओं के साथ, बिहारी युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है ना। आप देखिए जनरल कैटेगरी में जो महिला आरक्षण मिलता है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल जा रहा है, जबकि आरक्षण का लाभ किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासी, स्थायी निवासी को मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन बिहार में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर जनरल कैटेगरी की महिलाओं को नहीं हो रहा है। जनरल कैटेगरी के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को भी हो रहा है, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलता तो जो जितना सिलेक्शन बिहार से बाहर की महिलाओं का हुआ है तो उनके जगह पर बिहार की महिलाओं का होता, चाहे वो जनरल कैटेगरी की होती, एससी एसटी ओबीसी की होती, और फिर एससी एसटी ओबीसी में उसी कैटेगरी की महिला का सिलेक्शन होता अन्य लोगों का, तो ये लाभ होता। उसी तरह पुरुष वर्ग में भी बिहार से बाहर के लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग लागू कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई वन में देखिए हजारों अभ्यर्थी बिहार से बाहर के आए हैं और बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिला। यहाँ जो नौकरी ये रोजगार का, यहाँ बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन क्या है, सरकारी नौकरी, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट जो है जारी कर दिए गए, तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आज 3 बजे के बाद नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। बिहार के तमाम वो शिक्षक जो है आज गांधी मैदान पहुंचेंगे जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी मौजूद है। दिलीप जी, रिजल्ट जारी हो गया, गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कल पूर्ण विराम लगा दिया कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं थी, और आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, क्या आप सही मान रहे हैं नियुक्ति पत्र को? देखिए, नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा बांटा जा रहा है, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा और तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो नियुक्ति पत्र बांटने का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटने का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार को। 2020 में जब हम लोग आंदोलन करना शुरू किए धांधली सेटिंग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो आंदोलन इतना ज़बरदस्त हुआ कि तेजस्वी यादव जी ने चुनावी मुद्दा बना लिया शिक्षा और नौकरी को, और अभी देखिए लगातार बिहार में शिक्षा नौकरी पर चर्चा हो रही है, तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है कि जिस चीज़ को लेकर हम लोग आंदोलन किया आज बिहार का वो प्रमुख मुद्दा बन गया कि मुख्यमंत्री जी को ये दिखाना पड़ रहा है, यानी बिहार सरकार को दिखाना पड़ रहा है छात्र आंदोलन के दबाव में कि देखिए हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। कम से कम अब शिक्षा और नौकरी की तो बात हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने वैकेंसी निकाली, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जितने भी शिक्षक अपनी ईमानदारी से, मेरिट से बने हैं शिक्षक जो बने हैं इस बहाली में, उनको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और हाथ जोड़कर शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि आप बिहार की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती है, गठबंधन बदलते रहता है, अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन आप जहाँ गए हैं, जिस स्कूल में आप जाएंगे वहाँ आप काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, तो आपके ऊपर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि आपने वैकेंसी निकाली, हमने धन्यवाद दिया, तारीफ़ किया, अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसकी भी हम तारीफ़ कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कि आप जितने भी लोग काउंसलिंग के बाद सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए, और जिनके पास ये विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है वैसे लोगों को बाहर कीजिए, और जितना सीट बच रहा है उन सभी सीटों के लिए आप द्वितीय मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कहिए वो जारी कीजिए। अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, सीटें खाली हैं, तो अभ्यर्थियों को इसी बहाली में नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र किसी का स्थायी स्थिर नहीं रहता, उम्र तो बढ़ते रहता है, तो ये चीज़ होना चाहिए। नियोजित शिक्षक जितना इस बहाली में शामिल होंगे तो उतना सीट खाली करेंगे वो, तो उनके जगह पे भी फ्रेशर को ही इस बहाली में मौका दीजिए, जो मार्क्स लाए हैं जिनके पास सारी योग्यता है उनको मौका दीजिए। और टीआरई टू में भी आप हड़बड़ी नहीं दिखाइए, आपको बीटेट करवाना चाहिए था पहले, क्योंकि सीटेट में मैथिली शामिल नहीं होता है, तो बीटेट करवाना चाहिए। एसटीईटी भी फिर से आपको करवाना चाहिए, क्योंकि एसटीईटी 2023 जो सितंबर में हुआ वो तो हड़बड़ी में हुआ, बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए, और सबको पता है कितनी हड़बड़ी में हुई, कितनी उसमें गड़बड़ी हुई, और अभी उसका मार्कशीट अपलोड किया गया था उसको हटा लिया गया, तो सबसे पहले बीएससी भी तो उसका मार्क्स अपलोड करे एसटीईटी 2023 का, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलत है, सर्वर स्लो की वजह से हो गया था गलत, तो उनको सुधार का मौका दिया जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। और टीआरई टू में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट दी जाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार किया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से हजारों योग्य अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। और साथ ही टीआरई वन में जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को टीआरई टू में न दोहराया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। और
जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए उन सबको बाहर किया जाए। एस्टेट का परीक्षा जो सितंबर महीने में लिया गया बहुत जल्दी लिया गया, ऐसा लगा कि आयोग जो है काफ़ी हड़बड़ी में है। आपने कई बार आरोप भी लगाया कि न एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ मामला जो है सुलझाया जा रहा है, इतना जल्दी जो तैयारी करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर एक ही सेलेक्ट कर पाए, दोबारा एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिला तो वो पेपर टू भर नहीं पाए और उसका मलाल उन्हें है। तो क्या लगता है कि दोबारा जो है स्टेट का एग्ज़ाम लिया जा सकता है? देखिए, लेना चाहिए सरकार को दोबारा, एसटीटी का लेना चाहिए, बीटेट का लेना चाहिए। जब दोबारा आप ये बहाली निकाल के तुरंत शिक्षक बहाली दोबारा निकाल रहे हैं तो क्यों नहीं एसटीटी आप लीजिएगा, एसटीटी लीजिए, बीटेट लीजिए, आपको लेना चाहिए। डोमिसाइल आपको लागू करना चाहिए। डोमिसाइल हटाने के चलते आज हजारों युवाओं के साथ, बिहारी युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है ना। आप देखिए, जनरल कैटेगरी में जो महिला आरक्षण मिलता है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल जा रहा है, जबकि आरक्षण का लाभ किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासी, स्थायी निवासी को मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन बिहार में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है। तो उसका नुकसान सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं को नहीं हो रहा है, जनरल कैटेगरी के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को भी हो रहा है। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलता तो जो जितना सिलेक्शन बिहार से बाहर की महिलाओं का हुआ है तो उनके जगह पर बिहार की महिलाओं का होता, चाहे वो जनरल कैटेगरी की होती, एससी एसटी ओबीसी की होती, और फिर एससी एसटी ओबीसी में उसी कैटेगरी की महिला का सिलेक्शन होता अन्य लोगों का, तो ये लाभ होता। उसी तरह पुरुष वर्ग में भी बिहार से बाहर के लोग आ गए हैं बहुत सारे लोग, तो सरकार को चाहिए कि एक सीमा तक 90% हो, 95 हो, एक सीमा तक 90% तक आप डोमिसाइल लागू कीजिए, बाकी 10% में बिहार से बाहर के लोग भी रहे और बिहार के लोग भी उससे फाइट कर सकते हैं, ऐसा आप बना सकते हैं, सब डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। क्योंकि TRE1 में देखिए हजारों अभ्यर्थी बिहार से बाहर के आए हैं और बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिला। यहाँ जो नौकरी, ये रोजगार का, यहाँ बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन क्या है? सरकारी नौकरी। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं, जो उद्योग धंधा था भी 40 साल पहले, 35 साल पहले, वो सब बंद हो चुका है। तो रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। जनसंख्या ज़्यादा है उसके बावजूद भी आप बिहार से बाहर के लोगों को अगर ऐसे करेंगे, सिविल सेवा में तो छूट है ही, बाकी में है, लेकिन शिक्षक भर्ती में आप क्यों दे रहे हैं? अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हम लोग, और यहाँ क्यों आप दे रहे हैं आरक्षण का लाभ आप दे रहे हैं महिलाओं को? ये तो बिल्कुल गलत है ना। आखिरी सवाल मेरा, कॉमर्स के स्टूडेंट का आरोप है और प्रदर्शन भी कर रहे थे सचिवालय के गेट के बाहर, उनका कहना कि TRE1 में तो हम लोगों का सीट तो मिला ही नहीं मिला और सेकेंड भी आ रहा है उसमें हमारी सीट जो है काफ़ी कम दिखाई जा रही है, तो हम लोग अभ्यर्थी जाएँ तो आखिर कहाँ जाएँ, प्रदर्शन करें लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, अभी भी TRE1 में अभी बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा और सरकार जो कह रही है 1,22,000, तो उतना पे नियुक्ति नहीं होगी। और TRE2 में भी जो निकाला गया बहुत सारे सब्जेक्ट का सीट दिया ही नहीं गया, बहुत कम दिया गया। तो जितनी रिक्तियां हैं उतनी सीट पे वैकेंसी निकालनी चाहिए सरकार को। 1-5 की वैकेंसी नहीं निकाला गया, क्यों नहीं निकाला गया? 1-5 की भी तो वैकेंसी आपको निकालना चाहिए था, तो 1-5 की भी वैकेंसी सरकार निकाले और सभी सीटों पे वैकेंसी निकाले, जितनी रिक्तियां हैं सभी सीटों के लिए वैकेंसी निकाले सरकार। अभ्यर्थियों को सिर्फ आप दिखाइए नहीं कि हम नौकरी दे रहे हैं, बल्कि रियली में आप नौकरी दीजिए, जितने सीट खाली है उन सभी सीटों पे वैकेंसी निकालिए। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एस्टेट में तो हड़बड़ी दिखाई गई है, हड़बड़ी बरती गई है, लेकिन बिहार सरकार से इन्होंने अनुरोध भी किया है कि BPSC TRE2 से पहले एस्टेट का परीक्षा लिया जाए ताकि पुनः वो अभ्यर्थी जो छूट गए हैं वो फिर से अप्लाई करके BPSC TRE2 में आवेदन कर सके और वैसे लोगों को मिले जो बिहार के लोग हैं, और डोमिसाइल नीति लागू करने की भी बात इन्होंने रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।